हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू लर्न विद दितिमन। लास्ट वीडियो में हमने हांडौती शैली तक कंप्लीट कर लिया था। चलिए आज हम स्टार्ट करने वाले हैं झालावाड़ शैली। झालावाड़ के राजमहलों में श्रीनाथ जी, राधा कृष्ण लीला, रामलीला, राजसी वैभव के जो भित्ति चित्र मिलते हैं उनके माध्यम से झालावाड़ शैली का निर्धारण होना अभी शेष है। तो झालावाड़ शैली के अंदर देखिए, इनके राजमहलों में हमें श्रीनाथ जी, राधा कृष्ण लीला, रामलीला और राजसी वैभव इनके भित्ति चित्र जो है वो मिलते हैं, और जो कि अभी काम जो है वो शेष है, इस शैली का निर्धारण होना अभी शेष है। नेक्स्ट है ढूंढाड़ शैली। तो सबसे पहले देखते हैं इसके अंदर आमेर शैली। जयपुर की चित्रण परंपरा पूर्ववर्ती राजधानी आमेर की चित्र शैली के क्रमिक विकास का परिणाम है। आमेर शैली के प्रारंभिक काल के चित्रित ग्रंथों में यशोधरा चरित्र नामक ग्रंथ प्रमुख है। तो यहाँ पर इम्पोर्टेंट लाइन जो है वो है ये है कि आमेर शैली के जो प्रारंभिक काल के चित्रित ग्रंथों में जो महत्वपूर्ण ग्रंथ है, प्रमुख ग्रंथ है, वो है यशोधरा चरित्र। इसी समय में बनी रज्मनामा 1588 ईस्वी की प्रति अकबर के लिए जयपुर सूरत खाने में तैयार की गई थी। इसमें 169 बड़े आकार के चित्र हैं एवं जयपुर के चित्रकारों का भी उल्लेख मिलता है। बैराट के तथाकथित मुगल गार्डन और मोजमाबाद के भित्ति चित्र भी इस शैली में निर्मित हैं, जिन पर मुगल प्रभाव साफ दिखाई देता है। तो आमेर शैली पर भी मुगल शैली का प्रभाव जो है वो दिखाई देता है। आमेर चित्र शैली का दूसरा महत्वपूर्ण चरण मिर्जा राजा जयसिंह के राज्यकाल में प्रारंभ होता है। तो पहला जो चरण था वो हमने देखा अकबर के शासनकाल में, उसके बाद जो दूसरा चरण है वो मिर्जा राजा जयसिंह 1621 से 1667 ईस्वी के राज्यकाल से प्रारंभ होता है। मिर्जा राजा जयसिंह ने रसिक प्रिया कृष्ण रुक्मणी वेली नामक ग्रंथ अपनी रानी चंद्रावती के लिए 1639 ईस्वी में बनवाए थे। तो जो महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं रसिक प्रिया और कृष्ण रुक्मणी वेली नामक ग्रंथ जो हैं ये किसने बनवाए? मिर्जा राजा जयसिंह ने बनवाए अपनी पत्नी चंद्रावती के लिए। कब बनवाए? 1639 ईस्वी में। इसमें कृष्ण और गोपियों का युगल स्वरूप लोक शैली में चित्रित है। आमेर में ही मिर्जा राजा जयसिंह ने 1639 में गणेश पोल का निर्माण करवाया। ठीक है, तो आमेर में उसी समय मिर्जा राजा जयसिंह ने 1639 में गणेश पोल का निर्माण करवाया, जो भित्ति चित्र और अलंकरणों से सुसज्जित है। तो एक ही डेट याद रखनी है, 1639 में ही गणेश पोल का निर्माण, रसिक प्रिया कृष्ण रुक्मणी वेली नामक ग्रंथ की रचना अपनी पत्नी चंद्रावती के लिए 1639 में ही बनवाए। किसने? मिर्जा राजा जयसिंह ने। तो यहां पर आप तीन लाइनें जो है वो याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं जयपुर शैली। महाराजा सवाई जयसिंह प्रथम का काल कला की उन्नति की दृष्टि से कई अर्थों में महत्वपूर्ण रहा है। उन्होंने अपने राज चिन्हों, कोषों, रोजमर्रा की वस्तुओं, कला का खजाना, साज सामान आदि को सुव्यवस्थित ढंग से संचालित करने हेतु 36 कारखानों की स्थापना की। किसने की? 36 कारखानों की स्थापना सवाई जयसिंह प्रथम के समय में, जिनमें सूरत खाना जो है वो भी एक है। यहाँ चित्रकार चित्रों का निर्माण करते थे सूरत खाना में। इसी समय में रसिक प्रिया, कवि प्रिया, गीत गोविंद, बारहमासा, नवरस और रागमाला चित्रों का निर्माण हुआ था। महाराजा सवाई ईश्वरी सिंह के समय चित्र सृजन का केंद्र सूरत खाना आमेर से हटकर जयपुर आ गया। ठीक है, तो अब देखिए कि 36 कारखानों की स्थापना, जिसमें सूरत खाना एक था जहां पर चित्र जो है उनका निर्माण किया जाता था, तो ये महाराजा सवाई जयसिंह प्रथम के काल की देन है। ठीक है, महाराजा सवाई ईश्वरी सिंह जब आए तो इन्होंने क्या किया कि जो सूरत खाना था जहां पर चित्र बनाए जाते थे, तो आमेर से हटाकर जयपुर ले आए। इनके समय में साहिब राम और लालचंद नामक चित्रकारों ने प्रशंसनीय कार्य किया। तो इनके समय के दो महत्वपूर्ण चित्रकार हैं साहिब राम और लालचंद। साहिब राम ने बड़े व्यक्ति चित्र आदमकद पोर्ट्रेट बनाकर चित्रकला में नई परंपरा डाली। लालचंद्र ने जानवरों की लड़ाइयों के अनेक चित्र बनाए। तो अब पूछा जा सकता है यहाँ पर कि जयपुर शैली के अंतर्गत महाराजा सवाई ईश्वरी सिंह के समय में
जो दो प्रसिद्ध चित्रकार थे, साहेब राम और लालचंद। इसमें लालचंद्र जो है उन्होंने किस टाइप के चित्र बनाए, तो याद रखना है साहिब राम ने बड़े व्यक्ति चित्र बनाए, लालचंद्र ने जानवरों की लड़ाइयों के चित्र बनाए। सवाई माधव सिंह प्रथम के समय कलाकारों ने चित्रों में रंगों को न भरकर मोती रंग नहीं भरे बल्कि क्या भरे, मोती लाख लकड़ी की मणियों को चिपकाकर रीतिकालीन अलंकारिक मणिकुट्टिम प्रवृत्ति को बढ़ावा दिया। तो इनके समय में, सवाई माधव सिंह प्रथम के समय में रंग नहीं भरे गए, मोती लाख और लकड़ी की जो मणियां थी इनको चिपकाकर जो है वह चित्रकारी की गई। सवाई माधव सिंह प्रथम के समय गलता के मंदिरों, सिसोदिया रानी के महल, चंद्र महल, पुंडरी की हवेली में कलात्मक भित्ति चित्रण हुआ। लाल चितेरा महाराजा सवाई ईश्वरी सिंह तथा महाराजा सवाई माधव सिंह के समय एक प्रमुख चित्रकार था। तो इस चित्रकार का नाम क्या है, लाल चितेरा। ये महाराजा सवाई ईश्वरी सिंह और महाराजा सवाई माधव सिंह के समय का एक प्रमुख चित्रकार था। महाराजा सवाई प्रताप सिंह के समय में 50 से भी अधिक कलाकार सूरत खाने हमने देखा जहां चित्र बनते थे, इसमें चित्रों को बनाने के लिए नियुक्त थे। तो यहाँ जो सवाई प्रताप सिंह थे इनके समय में तो 50 से भी ज्यादा कलाकार जो है वो सूरत खाने में नियुक्त थे, जिनमें राम सेवक, गोपाल, हुक्मा, चिमना, सालिगराम, लक्ष्मण आदि प्रमुख थे। इस समय राधा कृष्ण की लीलाओं, नायिका भेद, राग रागनी, बारह मासा आदि का चित्रण प्रधान हुआ। तो सबसे अधिक जो कलाकार थे वो किसने नियुक्त किए सूरत खाने में, महाराजा सवाई प्रताप सिंह। महाराजा सवाई राम सिंह ने कला के विकास के लिए महाराजा स्कूल आर्ट एंड क्राफ्ट्स की सन 1897 ईस्वी में स्थापना की। तो 1857 में क्रांति होती है, तो वहां से आप याद रखिएगा कि इसी समय महाराजा सवाई राम सिंह ने कला के विकास के लिए महाराजा स्कूल आर्ट्स एंड क्राफ्ट इसकी स्थापना की, जो वर्तमान में राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स के नाम से जानी जाती है। ठीक है, तो ये लाइन जो है वो आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है। याद रखना है कि महाराजा स्कूल आर्ट्स एंड क्राफ्ट इसका नाम बदलकर वर्तमान में क्या हुआ है, राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स। इसके विकास के लिए स्थापना इसकी किसने की, महाराजा सवाई राम सिंह ने, कब की, 1857 ईस्वी में। भित्ति चित्रण, पोथी चित्रण, आदमकद पोर्ट्रेट, लघु चित्रण, इसमें जयपुर के कलाकारों ने मुगल प्रभाव को ग्रहण करते हुए राजपूती संस्कृति की नफासत और रंगों की लोक कलात्मक को बनाए रखा। बड़े बड़े पोर्ट्रेट यानी जिसमें व्यक्तियों के चित्र होते हैं, आदमकद व्यक्ति चित्र एवं भित्ति चित्रण की परंपरा जयपुर शैली की विशिष्ट देन है। जयपुर के भित्ति चित्रों की एक विशेष पद्धति है जिसे स्थानीय भाषा में आला गीला, अराइस तथा मोराकसी कहा जाता है। इस पद्धति में चूने के तैयार पलस्तर को घोटकर चिकना कर लिया जाता है तथा इस पर चित्रण किया जाता है। राजस्थान में सबसे पहले आला गीला पद्धति का प्रारंभ जो है वो आमेर में हुआ, जो कछवाहा मुगल संबंधों के प्रभाव का परिणाम था। देखिए ये क्वेश्चन जो है वो पूछा भी जा चुका है कि आला गीला क्या है। ठीक है, तो याद होना चाहिए कि चूने के तैयार पलस्तर को घोट कर चिकना करके जब चित्रण किया जाता है उसे कहते हैं आला गीला, अराइस तथा मोराकसी। तो सबसे ज्यादा इसका प्रचलन जो है वो आमेर में हुआ इस पद्धति का, किसका, आला गीला का। जयपुर शैली का प्रभाव ईसरदा, शिवाड़, झिलाय, उड़ियारा, चोमू, सामोद, मालपुरा, इन ठिकानों पर भी रहा, जिससे वहां ठिकाना पेंटिंग विकसित होती रही। नेक्स्ट देखिए अलवर शैली। तो इसके बाद चैप्टर जो है वो थोड़ा सा ही है, अलवर शैली और शेखावटी। ठीक है, उसके बाद ये शैली जो है समाप्त हो जाएगी। अलवर शैली सन 1775 ईस्वी में जयपुर से अलग होकर राव राजा प्रताप सिंह के समय स्वतंत्र अस्तित्व में आई। तो अलवर शैली जो है वो अस्तित्व में आई कब, राजा प्रताप सिंह के समय। उनके शासनकाल में शिव कुमार, डालू राम दो चित्रकार जयपुर से अलवर आए। तो जयपुर शैली से ही अलग
हुई कौन सी? अलवर शैली। ठीक है, तो वहीं से दो चित्रकार शिव कुमार और डालूराम ये आए अलवर। राजगढ़ के किले के शीश महल में अंकित भित्ति चित्र उन्हीं के समय में बने। ये भित्ति चित्र अलवर शैली के प्रारंभिक सर्वोत्कृष्ट चित्र हैं। तो अलवर शैली में राजगढ़ के किले के जो शीश महल है इसमें जो भित्ति चित्र हैं ये बने राजा प्रताप सिंह के समय। राजगढ़ के महलों में शीश महल का चित्रण कराकर बख्तावर सिंह ने यहाँ चित्रकला की शुरुआत की। तो राजगढ़ के महलों में शीश महल का चित्रण कराकर सबसे पहले चित्रकला की शुरुआत अलवर में की बख्तावर सिंह ने। बलदेव, डालूराम, सालगा, सालिग्राम उनके राज्य के प्रमुख चितेरे थे। बख्तावर सिंह के समय इन्हें सैकड़ों चित्र जिसमें नागों, जोगियों, फकीरों से जंगल में धर्म चर्चा करते हुए स्वयं महाराज का चित्रण कला की दृष्टि से उल्लेखनीय है। तो याद करने के लिए जो लाइनें हैं वो मैंने हाईलाइट कर दी हैं। नेक्स्ट देखिए, विनय सिंह का अलवर की चित्रकला के उत्कृष्ट में वही स्थान है जो मुगल चित्रकला में अकबर का था। तो जैसे मुगल चित्रकारी में अकबर का प्रमुख स्थान था, उसी तरीके से अलवर की चित्रकला में स्थान है विनय सिंह का। विनय सिंह बलदेव से चित्रकारी सीखते थे। किससे सीखते थे? बलदेव से। गुलिस्ता का सुलेखन एवं चित्रांकन उनके शासन कला की एक अनोखी घटना है। इस ग्रंथ को तैयार करने पर उस समय 1 लाख रुपए खर्च होते थे। उसके चित्र बलदेव और गुलाम अली ने बनाए थे। किसके? गुलिस्ता का जो चित्रांकन है यह विनय देव के समय की एक अनोखी घटना है और इस ग्रंथ को तैयार करने में 1 लाख रुपए तक खर्च हो जाते थे और इसके चित्र जो है वो बलदेव और गुलाम अली ने बनाए थे। बलवंत सिंह के समय सालिग्राम, जमनादास, छोटेलाल, बक्साराम, नंदराम आदि कलाकारों ने जमकर पोथी चित्रों, लघु चित्रों और लिपटवा पट चित्रों का निर्माण किया। तो आगे देखिए, शिवदान सिंह के शासनकाल में काम कला के आधार पर निर्मित सैकड़ों चित्र चित्रकला की दृष्टि से उत्कृष्ट हैं। नफीरी वादन का चित्र इस शैली का प्रमुख उदाहरण है। महाराजा मंगल सिंह के शासनकाल में मूलचंद उदयराम ने हाथी दांत के फलकों पर सूक्ष्म चित्रण किया। महाराजा जयसिंह के शासनकाल में रामगोपाल, रामप्रसाद, जगमोहन, राम सहाय, नेपोलिया इन चित्रकलाकारों ने अलवर शैली को अंतिम समय तक जीवित रखा। देखिए, सबसे पहली बात तो है कि अलवर शैली के अंतर्गत जो है वो प्रश्न अभी तक तो नहीं आया है, लेकिन मेवाड़, मारवाड़, ठीक है, और अजमेर शैली, यहां से प्रश्न जो है वो हमेशा पूछे ही जाते हैं। अलवर चित्र शैली में ईरानी, मुगल और राजस्थानी जयपुर शैली का आश्चर्यजनक संतुलित समन्वय देखा जा सकता है। अलवर शैली में देखिए ईरानी, मुगल और राजस्थानी तीनों जो शैली हैं इनका आपको मिक्सचर जो है वो देखा जा सकता है। इस चित्र शैली में पुरुषों के मुख की आकृति आम की शक्ल में बनाई गई है। स्त्रियों के कद कुछ ठिगने, उठी हुई बेड़ियां, अत्यधिक परिश्रम से बनाए गए अंग प्रत्यंग अलवर शैली की अपनी विशेषता है। वेश्याओं के चित्र केवल अलवर शैली में ही बने हैं। सुंदर बेल बूटों वाली बसलियों का निर्माण अलवर शैली की निजी विशेषता है। नेक्स्ट देखिए, उनियारा शैली। नरूका ठिकाने के वंश ने इस शैली के विकास का मार्ग प्रशस्त किया। राव राजा सरदार सिंह ने धीमा, मीर बख्श, काशी, राम लखन, भीम आदि कलाकारों को आश्रय प्रदान किया। राम, सीता, लक्ष्मण व हनुमान मीर बख्श द्वारा चित्रित उनियारा शैली का उत्कृष्ट चित्र है। उनियारा शैली पर बूंदी और जयपुर का समन्वित प्रभाव दिखाई देता है। तो यहाँ से प्रश्न जो है वो नहीं आता है, तो हम इसे अंडरलाइन नहीं करेंगे। नेक्स्ट देखिए, शेखावटी के भित्ति चित्र। जयपुर शैली के भित्ति चित्रांकन का सर्वाधिक प्रभाव शेखावटी पर पड़ा है। 19वीं सदी के मध्य से लेकर 20वीं सदी के प्रारंभ तक शेखावटी के श्रेष्ठी जनों ने विशाल हवेलियां निर्मित कर इस कला को प्रोत्साहन एवं प्रश्रय दिया। नवलगढ़, रामगढ़, फतेहपुर, लक्ष्मणगढ़, मुकंदगढ़, मंडावा, विशाऊ आदि स्थानों का भित्ति चित्रण अनूठा है। इन भित्ति चित्रों के कारण शेखावटी को ओपन आर्ट गैलरी कहा जाता है। ठीक है, तो अब बस एक ही लाइन है इंपॉर्टेंट, कि किसे ओपन आर्ट गैलरी कहा जाता है। तो किसे कहा जाता है? शेखावटी के जो भित्ति चित्र हैं इन्हें ओपन आर्ट गैलरी कहा जाता है।
किसे? शेखावटी को। बड़े बड़े हाथी, घोड़ों, चोपदारों, चंवर धारणियों का अंकन, गवाछों के दोनों ओर की दीवारों पर अंकन इन हवेलियों की विशेषता है। तो अब विशेषताएं जो हैं वो बताई जा रही हैं इन चित्रों की, शेखावटी के भित्ति चित्रों की। छज्जे के नीचे टोड़ों के मध्य में चितेरों ने यानी चित्रकारों ने अपनी सूझबूझ के अनुसार मल्लयुद्ध, कुश्ती, दधि मंथन, गोदोहन, विचित्र पशु पक्षियों, देवी मृतकों, राक्षसों, कामकला, रागनी, साधु संतों, लोक कथाओं का विशेष अंकन किया है। हवेलियों की जो बाहरी दीवार है और अंदर कथात्मक बड़े बड़े फलकों का चित्रांकन शेखावटी शैली की विशेष देन है। शेखावटी के भित्ति चित्रण में कत्थई, नीले और गुलाबी रंगों की प्रधानता है, किंतु अब इस अमूल्य सांस्कृतिक धरोहर का शरण यानी कि ये धीरे धीरे जो है वो समाप्त हो रही है। फ्रांस के नदीन ला प्रेंस ने फतेहपुर की हवेलियों के भित्ति चित्रों के संरक्षण के संदर्भ में सराहनीय कार्य कर एक मिसाल पेश की है। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपको याद रखना है शेखावटी के भित्ति चित्रों की एक ही लाइन है, इम्पोर्टेंट है कि इन भित्ति चित्रों के कारण शेखावटी को ओपन आर्ट गैलरी कहा जाता है। ठीक है, तो हमने जो भी शैली थी वो आज कंप्लीट कर ली। नेक्स्ट वीडियो में हम लोक कलाएं करेंगे, जिसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो आपके एग्जाम में हर बार आता है, जैसे कि सांची के बारे में पढ़ेंगे हम, मानड़ा जो है ये क्या होता है, फड़ क्या होती है, पाने क्या होते हैं। ठीक है, तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, कांवड़ क्या होता है। चलिए, तो नेक्स्ट वीडियो लोक कलाओं से हम स्टार्ट करेंगे और आपका ये चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।